हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। इसमें हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट में पढ़ना क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, CUST कॉस्ट, PRICE प्राइस, या इसको हम सीपी भी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। सेकेंड में तीन चीज़ पढ़ेंगे, तो फर्स्ट चीज़ हो गया कॉस्ट प्राइस, फिर सेकेंड नंबर हो गया सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SP भी बोलते हैं। इसका हिंदी वर्ड हो गया क्या, विक्रय मूल्य। और फिर ये जो तीसरी चीज़ है इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस तो वो हो गया जिस पे हम कोई भी वस्तु को मूल्य निर्धारित करके बेचते हैं, और तीसरी चीज़ में हो गया मार्क प्राइस, MARK मार्क, PRICE मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इसको हम डिनोट करेंगे MP से हो गया डिनोट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। CP हो गया जिस पे हम किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं, खरीदी गए मूल्य को उसको हम क्या कहते हैं, CP कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस हो गया किसी वस्तु को हम बेचते हैं वो हो गया। और फिर मार्क प्राइस ये हो गया जिस पे हम किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसका सूची मूल्य, इसको हम सूची मूल्य भी बोल सकते हैं, सूची मूल्य। अब इसका क्या होता है प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट बराबर होगा SP ज़्यादा में बेचे और कम में खरीदे। तो क्या होगा, ज़्यादा में हम सेलिंग प्राइस किए और कम में खरीदे तो क्या होगा, तो प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस में से CP गया तो क्या प्रॉफिट हो गया। फिर लॉस, इसी तरह लॉस बराबर होगा CP माइनस SP। इसमें क्या हो गया लॉस में हो गया क्या, हम कम, इसमें क्या हो गया, ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए। इसमें क्या हो गया, कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तो क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया और ये क्या हो गया, हमारा लॉस निकल गया। अब इसको हम लॉस परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बाय CP × 100। लॉस परसेंटेज का हो गया फार्मूला। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू प्रॉफिट बाय CP × 100। कोई भी वस्तु का हम जब प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो CP पर निकालते हैं। CP से ही हम प्रॉफिट और लॉस का पता कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। आगे देखिए, माने किसी वस्तु पर हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5। तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करते हैं, 20 का प्रॉफिट मतलब 6/5, नीचे 5 टोटल हो गया, तो 5 का 20%, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया, 6/5, इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए, मान के चले 20% का प्रॉफिट हुआ CP पे, CP है
सीपी पे हमको 20% का प्रॉफिट हुआ था। 20% मतलब क्या हो गया, 120 बाय 20% का प्रॉफिट मतलब 120/100 इजकल टू कितना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी इजकल टू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट बट्टे 100 इजकल टू एसपी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो 20 जुटा, यहाँ पर देखिए ये 20 है, 20 का हमको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या 100 है यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो गया 120 हो गया, 120/100। इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी सही है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं सीपी इजकल टू क्या लिखेंगे, ये 100 नीचे है तो उस साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट। इस तरह से हमको क्या निकल गया, ये सीपी निकल गया, सीपी का फॉर्मूला ये निकल गया। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीपी इजकल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अगर हमको लॉस रहेगा, इसी तरह अगर हमको लॉस रहेगा तो सीपी क्या होगा, सीपी इजकल टू एसपी सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज, यही हमारा वैल्यू हो गया सीपी लॉस वाले में ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, और प्रॉफिट वाले में इसमें प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करते हैं। मान के चले यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब क्या, 120 हो गया। अगर यहाँ पे 20% का क्या होता, 20% का लॉस होता, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे अगर लॉस होता तो क्या हो जाता, 80 होता ना। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या किए हैं, 100 में से माइनस किए हैं, जिस तरह से यहाँ पे होता है माइनस, 100 पे कोई भी वस्तु का परसेंटेज निकाला जाता है, उसी तरह हम 100 में माइनस किए 20% का लॉस हुआ तो 80 हो गया, उसी तरह यहाँ पे लॉस है तो इसमें 100 में से माइनस करेंगे। मार्क प्राइस के बारे में जानते हैं, मार्क प्राइस या इसको हम हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस होता क्या है, मार्क प्राइस या सूची मूल्य, इसको सूची मूल्य भी कहते हैं। मार्क प्राइस वह है जो हम किसी वस्तु पे मूल्य को अंकित करते हैं, तो इसमें डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट बराबर क्या होगा, DISCOUNT डिस्काउंट इजकल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसी को हम डिस्काउंट भी बोलते हैं। ये डिस्काउंट हो गया सेलिंग प्राइस, और इसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज इजकल टू जिस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते थे, उसी तरह इस पर क्या निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालेगा, मार्क प्राइस पे, तो इसलिए डिस्काउंट बट्टे मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या किस पे निकलता था, कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट लॉस निकालते थे, और डिस्काउंट हम निकालेंगे मार्क प्राइस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस इक्वल टू 100। उसी तरह सेम प्रोसेस है प्रॉफिट लॉस का, मार्क प्राइस इनटू, अगर 20% का लॉस हो, अगर 20% का हमको लॉस होगा इस स्थिति में हम 100 में से माइनस करते हैं ना, तो 80/100 इजकल टू सेलिंग प्राइस, इसको हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 में से माइनस हुआ ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 20 बाय 100 इजकल टू सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ तो माइनस किए, इसी को हम लॉस बोलते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या डिस्काउंट बोलते हैं, ये डिस्काउंट दिए, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, 20 का डिस्काउंट दिए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मार्क प्राइस
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसी तरह अगर हमको मार्क प्राइस निकालना रहेगा मार्क प्राइस, तो इसको इज इक्वल टू क्या करेंगे, 100 ऊपर जाएगा एसपी की सेलिंग प्राइस के मल्टीप्लाई में, एसपी इज इक्वल मल्टीप्लाई 100 बाय ये नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म 100 माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या निकल गया, मार्क प्राइस का फॉर्मूला हमको निकल गया सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, इसी को हम डिस्काउंट होगा डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज, इसको इसी को हम बोलते हैं। अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं, या डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। अब हम लोग आते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में जानते हैं, मार्क प्राइस जान गए, सेलिंग प्राइस जान गए, कॉस्ट प्राइस जान गए। अब आते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता क्या है, एस ई डबल एल आई एन जी सेलिंग पी आर आई सी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब हिंदी इसका वर्ड मीनिंग होगा विक्रय मूल, जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल कहते हैं, विक्रय मूल हो गया, ये विक्रय मूल हो गया, इसको हम एसपी से डिनोट भी करते हैं एसपी। सीपी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड 100 बाय प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, नहीं तो लॉस रहेगा तो क्या, एसपी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड 100 बाय 100 माइनस लॉस, ये हो गया। हम इसका क्या निकालना है, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसको हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 इधर मल्टीप्लाइड में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो सीपी ये वाले टर्म ऊपर चला जाएगा उस साइड, सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, फिर उसी तरह लॉस में भी इसी तरह होगा, सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाय 100, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट भी होता है और इसको ही लॉस परसेंट भी कहते हैं। अब ये तो हमारा निकल गया, मार्क प्राइस में हम अपने लोग क्या निकाले थे, मार्क प्राइस ये हो गया, इससे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जैसे मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो इसमें से हमको सेलिंग प्राइस उसी तरह निकालना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये नीचे वाले टर्म उस साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा मार्क प्राइस के मल्टीप्लाई में, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। अब इस दोनों फार्मूला से बहुत खतरनाक ट्रिक निकलता है, देखिए आगे। अब इस दोनों से बहुत खतरनाक ट्रिक बनता है, ये एसपी और ये सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस से रिलेटेड सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेम रहना चाहिए, ये टर्म और ये टर्म भी सेम रहेगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं, पहले इसको लिख लिए सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, ये वाला टर्म लिख लिए और इसके बराबर ये टर्म होगा, इसलिए इज इक्वल टू ये मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सी पी मल्टीप्लाइड 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड 100 माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस इस साइड मल्टीप्लाइड में है और इस साइड आएगा सीपी के, इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय मार्क प्राइस
इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है उससे आ जाएगा, तो डिविडेंड डिवाइड में हो जाएगा। तो इस साइड 100 माइनस डिस्काउंट है तो ये सेम रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट। यही हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस हो गया हमारा क्या 100 प्लस प्रॉफिट। यह हमारा फार्मूला आ गया, तैयार हो गया न्यू फार्मूला। इस फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट आउट होते रहते हैं और इसका सॉल्यूशन आप करिएगा, बहुत यूनिक ट्रिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।